नमस्कार। मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने यह कहा है कि बीजेपी दरअसल इसलिए सत्ता में आई है ताकि वो संविधान बदल सके। जी हां, ये बात पहले भी कही जा चुकी है आरएसएस के दूसरे पदाधिकारियों के जरिए, जिसमें कहा गया कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। या संविधान को लेकर भी लगातार तरह तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, उनको हम फ्रिंज एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि एक ऐसे लोग जो कि सत्ता में बैठे नहीं हैं, ताकतवर लोग नहीं हैं, या जिनके पास वो पावर नहीं है कि वो वाकई संविधान बदल सकें। लेकिन यहां मोदी सरकार के मंत्री इस बात को कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार के मंत्री के जरिए दरअसल मोदी सरकार की मंशा भी हमें पता चलती है? इसलिए ये बात, क्योंकि ये फ्रिंज एलिमेंट इनको नहीं कहा जा सकता एक मंत्री को, एक कैबिनेट मंत्री को, इसलिए साफ तौर पर यह बात चिंतित करती है कि क्या वाकई मोदी सरकार की नीतियों में यह बात शामिल है कि अगले साल 2018 में जब धीरे धीरे 2019 की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, क्या मोदी सरकार इस तरह की पॉलिसी अपनाने की कोशिश करेगी। तो साफ तौर पर यह बात चिंता का विषय बनती है। लेकिन दूसरी तरफ इतना ही सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सेक्युलर शब्द और सेक्युलर लोगों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें हंसी आती है उन लोगों पर जो अपने को सेक्युलर कहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई हिंदू है तो अपने को हिंदू कहे, मुस्लिम है तो मुस्लिम कहे, सिख है तो सिख कहे, लिंगायत है तो लिंगायत कहे, यानी कि जाति को भी उन्होंने साफ तौर पर सामने लाया। यानी कि आप ये सोचिए, एक एक मंत्री, केंद्र में मंत्री, उसका जो वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह वो दुनिया को देखता है, भारतीय संविधान को बदलने की बात तो वो करता ही है, साथ में ये भी कहता है कि सिर्फ भारतीय होने की पहचान किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी नहीं है। वो अगर कोई व्यक्ति अपने को सेक्युलर कह के अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है तो उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं कि वो धर्म और जाति से जुड़ी अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान है, वो आगे रखे। और इतने पर ही मंत्री जी नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा जब उनसे मनुस्मृति के बारे में कुछ पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ, मनुस्मृति जो है वो स्मृति है जो पहले चला करती थी, अभी अंबेडकर स्मृति चलती है। यानी कि संविधान को उन्होंने अंबेडकर स्मृति का नाम दिया, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक जिंदा संविधान जिसे हम हर रोज पिछले 70 साल से जी रहे हैं, उसको उन्होंने स्मृति का नाम दिया। फिलहाल कई छात्र संगठन हैं वो इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएफआई खासकर उसने विरोध प्रदर्शन किया है इस मामले पर। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है कर्नाटक में। और सबसे दिलचस्प बात इसमें ये थी कि वो कर्नाटका के ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। आप ये सोचिए, एक व्यक्ति जो ये कह रहा है कि वो जाति आधारित पहचान को सही समझता है, वो ब्राह्मण युवाओं के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था, एक मंत्री का पद पे होने के बावजूद। कई बार लेकिन इस बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है। सिर्फ हेगड़े साहब ही नहीं हैं, सिर्फ मंत्री महोदय नहीं हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को लेकर कहा है कि जो सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं दो, इनको लेकर कि क्या वाकई, चूंकि ये बुनियादी तौर पर जब संविधान बनाया गया था तब ये इसका हिस्सा नहीं थे, बल्कि जो 42वां जो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, दरअसल जब इनको हिस्सा बनाया गया इन दोनों शब्दों को संविधान का, तो क्या वाकई इन शब्दों को निकाला जा सकता है? लेकिन आपको याद होगा, ये याद दिलाना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब अम्बेडकर जो कि जब संविधान लिख रहे थे, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके सदस्यों के साथ मिलकर, तब ये बहस हुई और उस पर ये बात हुई कि वो चीज़ जो कि हमारी नस नस में है, जो हमारी जड़ों में है, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, दरअसल उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो चीज़ पहले से ही बहुत ऑब्वियस है, जो जाहिर है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं, और इसलिए सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो पूरी रूह है, जो आत्मा है भारतीय संविधान की, दरअसल वो सेक्युलरिज्म के जो सिद्धांत हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं, उस पर आधारित है। माना जाता है कि जो भारत का संविधान है, जिसे हम पिछले 70 साल से जी रहे हैं, दरअसल वो दुनिया के बहुत सबसे बेहतरीन जो संविधान है उनमें से एक शामिल है। एक ऐसा संविधान जो उसके तमाम नागरिकों को उसकी धार्मिक, जातीय और पैदाइश से, यानी कि ओरिजिन से जो हमें पहचान मिलती है, उसको नज़रअंदाज करते हुए सबको बराबरी का अधिकार देती है। एक ऐसे समाज का सपना इस संविधान ने देखा है जहां पर तमाम जो जात, बरादरी, धर्मों के लोग धार्मिक आज़ादी के साथ, बराबरी के साथ, खुशहाल, शांतिपूर्ण तरीके से भारत में रह सकें, ये वो संविधान है दरअसल। इसलिए ये संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको बचाया जाना, जिस पर ज़रा सा भी आँच आने पर या ज़रा सी भी बयानबाजी होने पर जो तकलीफ होती है या चिंता का विषय बनता है, वो इसलिए बनता है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रटर्निटी, यानी कि आज़ादी, बराबरी और बंधुत्व, ये तीन चीज़ें हैं जिन पर भारत का संविधान बेस्ड है, भारत का संविधान आधारित है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 70 साल में हमने इस संविधान को पूरे तरीके से चरितार्थ कर लिया है, पूरे तरीके से जी रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आबादी है भारत की, उसने एक मिनिमम अरेंजमेंट, जिसे कहा जाए, एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा अरेंजमेंट जो है वो अपने लिए तैयार किया, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से को एग्जिस्टेंस, जिसे कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ हम जी सकें, हम एक छत के नीचे रह सकें।
लेकिन शायद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इंस्पिरेशन होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयान जो है साफ तौर पर धक्का देते हैं उन कोशिशों को जो पिछले 70 सालों के दौरान जो भारत का लोकतंत्र है वो और जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनके ज़रिए हम साबित करने की, उनको बुनियाद बनाने की लगातार कोशिश करते रहे। हालांकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा था कि जो भारत के जो बेसिक फीचर्स हैं, यानी कि जो बुनियादी जो बाउंड्री है उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसको नहीं बदला जा सकता, चाहे कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी हो, यानी कि एक ऐसी भी सरकार हो जिसके जो कि उसका खुद का पूरा मैंडेट हो, उसके बावजूद भी वो सरकार नहीं बदल सकती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आशंका ज़रूर बनी हुई है कि 2019 तक आते आते अगर बीजेपी के लिए ये लड़ाई, ये संघर्ष अगला चुनाव जीतने का मुश्किल लगता है तो हो सकता है कि इस तरह की कोई चुनावी ट्रिक जो है, चुनावी चाल जो है वो बीजेपी चलने की कोशिश करे। क्या ये माना जाए कि वाकई जो हेगड़े हैं, अनंत कुमार हेगड़े, वो एक फ्रिंज हैं, बीजेपी का इस पूरी जो विचारधारा है, इस पूरा जो बयान है उससे कोई लेना देना नहीं है, या वाकई वो इस बात में विश्वास रखती है और ये एक झलक हमें देखने को मिली है कि आगे आने वाले साल में बीजेपी किस तरह से कदम उठाएगी। तो यानी अगर हमें सफाई मिलती है इस बयान की कि बीजेपी के बाकी लोग या जो जिम्मेदार लोग हैं या खुद प्रधानमंत्री हैं अगर इस बात को लेकर वो ये कहते हैं कि वो इस बात में उनका कोई विश्वास नहीं है, कोई फेथ नहीं है, तो हम ये मानेंगे, वरना ये इसको ज़रूर माना जाएगा कि मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो ये उनकी नीतियों में ज़रूर शामिल होगा।